प्रेम मंदिर। लाइट भी जल गई है, अभी हम लोग भाई शाम के पहुंचे हैं 6:15 बजे। पता नहीं फोन चलाओ कैसे हैं अंदर, फोन चलाओ नहीं होते आज तक नहीं हुए। जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था वो चीज बिल्कुल रिक्रिएट की गई है। और वृंदावन की भीड़ देखो भाई, कितनी भीड़ हो रखी है, भीड़ ही भीड़ रखी है ना अभी। अगर आप वृंदावन आए और प्रेम मंदिर नहीं आए तो कहीं नहीं आए भाई। आप सब लोग एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। अभी हम लोग हैं वृंदावन में, जो मैं देख ही रहा हूँ मेरे चेहरे से पहचान लिया होगा। और अभी भी हम लोग हैं प्रेम मंदिर वाले रोड पे, जो इस्कॉन मंदिर प्रेम मंदिर पड़ता है उस रोड पे। बाकी भी अभी हम लोग आने वाले हैं प्रेम मंदिर के लिए, जिसके जो सामने ही है बिल्कुल जस्ट हमारे प्रेम मंदिर। और वृंदावन की भीड़ देखो भाई, कितनी भीड़ हो रखी है, भीड़ ही भीड़ हो रखी है ना। अभी हम लोग हैं प्रेम मंदिर वाले रोड पे, प्रेम मंदिर ही जा रहे हैं भाई। प्रेम मंदिर का मेन एंट्रेंस और उधर आप लोग देख रहे हो मंदिर है। अभी चल रहे प्रेम मंदिर में, अंदर पूरा दिखाएंगे तुम्हें, एकदम मस्त मजा आ जाएगा। फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं वृंदावन की जन्नत प्रेम मंदिर। लाइट भी जल गई है, अभी हम लोग भाई शाम के पहुंचे हैं 6:15 बजे और लाइट वगैरह सारी जल चुकी है। व्यू तो भाई आप देख ही रहे हो, अलग ही एकदम एक्सटेंडेड व्यू मिलता है, कुछ कह नहीं सकते व्यू का। तो भाई ये देखो यहाँ पे भाई झांकियाँ, जो जो कृष्ण जी की लीलाएं थी सारी लीला यहाँ पे दिखाई गई है। अगर आप वृंदावन आए और प्रेम मंदिर नहीं आए तो कहीं नहीं आए भाई। हो गए, मैं तो चाहता था दिन में आना, 4 बजे खुलते जाना, लेकिन कुछ इश्यूज हो गए जो हम लोगों को रिसॉल्व करने पड़े, उसके बाद हम लोग आए। लेकिन उसके बाद भी काफी सही दिख रहा है मंदिर, ये नहीं कि क्वालिटी गिर रही हो, आप लोगों को मजा नहीं आ रहा हो, मजा पूरा आ रहा होगा भाई। दिन कहीं भी देखोगे चारों तरफ से भाई सीनरी बनी हुई है चारों तरफ ही, ये काफी सही चीज लगती है। और ये 3D सीनरीज है, ऐसी वैसी नहीं है बनाई हुई, मतलब पत्थर से बनी है क्लियरली, पूरी 3D मतलब पूरी वृंदावन की क्लियर सीरीज हम लोग बनाए। लेकिन कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए, रिक्रिएट हो गए भाई, बड़े परेशान हो गए। उसके बाद भी हम लोग फिर अभी भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, क्योंकि भाई कुछ चीज़ें बिगड़ गई, बहुत चीज़ें बहुत नुकसान हो गया कुछ में, है ना, बताऊंगा बाद में। सामने दिखाऊं, अभी हम लोग ऐसी जगह पर आ गए जहाँ पर लाइटनिंग शो दिखता है, पानी में से लेजर, पानी में से मतलब फुब्बारा निकलता है। तो आए भाई यहाँ पर जहाँ पर ग्वाला बने हुए हैं कृष्ण जी और चला रहे हैं भैंसों को अपने दोस्तों के साथ। हमें देखने का मौका मिलता है तो भाई तुम्हें ज़रूर दिखाएंगे। और यहाँ पे जो लेज़र से शो दिखता है ना, ये जो फुब्बारा है भाई, ठीक है, ये चल रहा है, नीचे से लाइट आएगी इसमें और फिर सामने सीनरी बन जाएगी, डिस्प्ले बन जाएगी पूरी, वो मतलब बहुत मज़ा आता है। बाकी भाई ये कलर जो है ये चेंज होता रहेगा, अभी देखो ब्लू हो गया, अभी पिंक हो जाएगा। मैंने ये बनवाया है भाई, वो सामने देखो, सामने कृपाल बाबा दिखाऊँ मैं आपको एक बार, फोकस कर लूँ भाई, थोड़ा फोकस भाई हो नहीं रहा। ये देखो सामने आप देख रहे हो, यहाँ पर उनकी वीडियो चल रही है कृपाल बाबा जिन्होंने भाई ये बनवाया है। सामने आप क्लियर देख रहे हो, ब्राइटनेस मैंने गिरा दी है बिल्कुल। खैर महाभारत का सीन जहाँ पर कृष्ण जी बने थे अर्जुन जी के सारथी, और यहाँ पर देख रहे हो भाई पूरा उस चीज़ को रिक्रिएट किया गया है। यहाँ तक कि ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पर आपको हनुमान जी भी दिखेंगे, जो चीज़ बताई जाती है कि वो ऊपर बैठे हुए थे रथ के, और फिर नीचे आप ये व्यू देख ही रहे, मतलब बहुत ही अलग नेक्स्ट लेवल काम होता है जो भी होता है यहाँ पे। जब का है, जब कृष्ण जी कर रहे थे गोपियों के साथ डांस अपने बहुत सारे रूपों में, है ना, देख रहे हो आप हर जगह आपको कृष्ण जी का रूप दिखेगा। ये देखो भाई, भाई कृष्ण जी को गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दिखाया है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था वो चीज़ बिल्कुल रिक्रिएट की गई है। बीच में आप लोग देख रहे हो भाई यहाँ पे कृष्ण जी हैं, और साथ में सारे पूरे गांव वाले थे, जो जो हमने चीज़ देखी वो चीज़ टोटली रिक्रिएट है। अभी हम लोग चलते हैं ऊपर, ऊपर से भाई दिखाते हैं तुम्हें सब बढ़िया बढ़िया। भाई मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा भाई तुम सबको अंदर जाने के बाद दिखा पाऊँ। मैं और मेरा दोस्त सनी हम दोनों बिछड़ गए। अभी मैंने लोकेशन दी है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ आ जल्दी, तो वो आ रहा है। मैंने उसे बताया मैं हाथी पे खड़ा हूँ भाई, ये लेफ्ट वाले हाथी पे, अंदर घुसेगा तो लेफ्ट में पड़ेगा, उस हाथी पे खड़ा हूँ। और वो भाई पता नहीं कहाँ है यार, अभी तक नहीं आया। अभी जो मैं 3D पिक्चर्स की बात कर रहा हूँ, जो मतलब यहाँ पे बने हुए हैं स्ट्रक्चर्स, वो देखो भाई कितने मतलब शार्प बने हैं, ठीक है, ये सामने से देखोगे ना छू के जब पता चलेगा कि इनकी शार्पनेस क्या है भाई, एकदम 3D है भाई, बहुत तंगड़ा। अरे भाई हम लोग अंदर अंदर देखते हैं, दिखवा पाए तो भाई ज़रूर दिखवाएंगे आपको। भाई हम लोग अंदर आ गए, फोन चलाओ नहीं है, लेकिन पता नहीं यार आज मैं इतने फोन्स खोले हुए देख रहा हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी खोले नहीं देती फोन्स को, लेकिन देख रहे हो आगे देखो फोन्स ही फोन्स खेले हुए हैं बहुत सारे। इस वाले गेट से आप लोग व्यू देखो, सामने का व्यू है भाई, एकदम तंगड़ा व्यू आ रहा है। ये देखो ये एंट्रेंस है, और व्यू में क्या बताऊँ, एकदम बहुत ही नेक्स्ट लेवल व्यू आ रहा है। अंदर आओगे तो ऐसी सीनरीज वगैरह बनी हुई है जहाँ पर बहुत सारे महात्मा और स्वामी जी बैठे हुए हैं। आगे भी देखोगे तो ऐसी सीनरीज बनी हुई है काफ़ी, यहाँ पर कृपाल बाबा हैं जो जिन्होंने ये मंदिर की स्थापना की और बनाया, वो बैठे हुए उनकी यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए, नीचे देख रहे होगे जदगुरु स्वामी श्री कृपालू जी महाराज।
मैं वृंदावन काफ़ी बार आया हूँ लेकिन ऐसी भीड़ मुझे कभी नहीं मिली इस प्रेम मंदिर के अंदर। और यहाँ पर भीड़ काफ़ी है, मतलब प्रेम मंदिर के बाहर, अंदर बांके बिहारी हर जगह इतनी भीड़ है ना आज, भाई क्या बताऊँ। यहाँ पर भाई भीड़ बहुत है, जितना दिखा पाया उतना दिखाया। पता नहीं फोन चलाओ कैसे हैं अंदर, फोन चलाओ नहीं होते आज तक नहीं हुए, लेकिन अभी कोई भी सिक्योरिटी वाला नहीं टोकरा फोन के लिए, तो मुझे लग रहा है फोन चलाओ हो चुके हैं। भाई क्वालिटी देखो आप, है ना, यहाँ पर ये एकदम आगे देख रहे हो पीछे तक, मतलब अलग ही लेवल की क्वालिटी मिलेगी, 3D है पूरा। भाई ये सामने आ रही कृपाल बाबा की आरती जो रात में, उसकी बात कर रहा था मैं। यहाँ पर लेजर पे, मतलब लाइटनिंग पे जो शावर होता है फुब्बारा, उस पर भाई देखो शो दिखाया जाता है, वो हो चुका है अब स्टार्ट। और आप देख रहे हो स्क्रीन सामने, यहाँ पे भाई स्क्रीन शुरू हो गई है, स्क्रीन पे आ गए कृपाल बाबा, सबसे पहले प्रेम मंदिर आया है। अब आप देख रहे हो भाई एकदम टीवी की तरह लग रहा है, एकदम व्यू जो है टीवी की तरह है।